आज की सुनो को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में टाइम एंड वर्क टॉपिक्स थे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट टू है। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें क्या किया था, आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, ठीक है। जो ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, पूरा हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। पूरा फिगर द्वारा बना के आपको समझा दिया है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी स्पीड बन जाए, ठीक है। देखिए इसमें मैं करूं कि आपको थोड़ी सी आपके एग्जाम में स्पीड बनाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें क्या कहा गया, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 16 दिन में करते पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को तीन दिनों तक साथ करते हैं और फिर ए छोड़ देता, जो ए है काम छोड़ देता है तो बी उस बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए अगर आप लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। 12 डेज हो गया और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 16 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां से सबसे पहले डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊ। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए चार से ये भी कट रहा है, चार से ये भी कट रहा है, किसी को काट दिए, चार तीन बार है, तीन बार में कटा है, तीन का लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया, क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, चार बार भाग जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, तीन बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ए एक दिन में कितना, चार काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करा है, तीन काम करा है। तो प्रश्न में ये कहा गया है दोनों मिलकर क्या करें, तीन दिनों तक साथ साथ कार्य करें। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, सात काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ किए लोग, तीन दिन तक, तो 7 × 21 हो जाएगा, यानी तीन दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 21। तो टोटल काम इससे करिए, 21 काम घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये देखिए शेष कार्य आपका बचा है, ये आपका शेष वर्क बचा है। अब इसके बाद हुआ क्या, कौन कार्य छोड़कर चला जा रहा है, एक कार्य छोड़कर चला गया, एक कार्य छोड़कर चला गया तो कार्य में लगा कौन है, बी। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है, और करना कितना है, 27। इससे इसको डिवाइड कर दिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9। यानी आप बता सकते हैं कि जो बी है शेष कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में समाप्त करेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना है कि डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। इतना क्लियर है। अब इससे करके इसको डिवाइड कर दीजिए, ये जो ए है ना, ए इतने दिन कर रहा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो चार बार में जो कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 16 × 3 = 48, तीन बार में कटा है, क्लियर है। ए और बी का मान आपको पता चल गया, इतने इतने कार्य करें। अब देखिए कहा कि दोनों मिलकर तीन दिनों तक कार्य करें, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 7 काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, तो तीन दिन में कितना काम किएंगे, 7 × 21। अब इसको घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27। तीन दिन के बाद एक कार्य छोड़ दिया, एक कार्य छोड़ दिया तो कार्य में लगा कौन, अभी बी लगा, बी एक दिन में कितना काम करा, तीन काम करा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी टाइमिंग आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। इसकी अपेक्षा आपकी थोड़ी सी टाइमिंग बचत हो जाएगी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर पूरा सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की बस स्पीड बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है।
आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद क्या कर रहा है, काम छोड़कर चला गया। यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे इसमें आपसे ये पूछा है। कहने का मतलब ये कि कार्य कितने दिन में टोटल फिनिश हुआ, इसमें आपसे यही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करके यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे, आमोद प्रमोद नहीं लिख रहे, हम लोग डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 15 हो गया, 5 का इसमें ला के गुणा कर दिए, 5 2 10, 5 को 20, 5 2 10 12, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120। इतना क्लियर है? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 24 5 कितना आ जाएगा, 120। इतना क्लियर है? अगर मैं मान लूं यहां से देखिए, अब मुझे एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, चूंकि ये क्या कहा गया 11 दिन पहले कार्य को छोड़ रहा, छोड़ने या जुड़ने वाले हम लोग करेंगे क्या, लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको, कौन 11 दिन पहले कार्य छोड़ रहा, आमोद जो है 11 दिन पहले कार्य छोड़ रहा। शुरू में ये लोग क्या कर रहे हैं, आमोद और प्रमोद दोनों मिलकर ये कार्य करते करते आ रहे कि नहीं आ रहे, जैसे कार्य समाप्त होने वाला, ठीक है, जैसे कार्य समाप्त होने वाला उससे कितने दिन पहले, उससे 11 दिन पहले आमोद क्या कर रहा, काम छोड़ दिया। अगर ये आमोद काम छोड़ दिया तो कार्य कौन कर रहा है, ये प्रमोद यानी पी कर रहा है कि नहीं कर रहा, पी कर रहा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 11 दिन किसने कार्य किया होगा, पी ने कार्य किया होगा, और जो पी है, पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, पी एक दिन में 5 काम कर रहा है, यही ना। तो 11 दिन में कितना काम करेगा, 11 5 55 टोटल कार्य में से 55 काम घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 65। कह सकते 65 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहां से तो ये निकल गया, अब ये जो कार्य बचा है ये कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का कार्य कितना है, 65 है, और इसको कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, 13। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूंगा, 13 5 कितना, 65। क्लियर है? देखिए 5 दिन ये कार्य समाप्त करने में लग गया और ये 11 दिन ये लग गया, तो इस तरह से टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16। यानी टोटल वर्क कितने समय में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे 16 दिन में समाप्त हुआ। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वही उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। यानी एक इसी काम को 8 दिन में करता है, बी जो उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो कहा क्या, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ये क्या करा, काम छोड़कर चला गया। एक कितने दिन काम किया, इसमें आपसे ये पूछा, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ए इतने दिन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट करिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किससे को काट दीजिए, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम निकालने की शॉर्टिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, यानी आप वैल्यू देख करके उनका एलसीएम बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा, कुछ ऐसे ट्रिक आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर एलसीएम और एससीएफ चैप्टर में भी आप पढ़ सकते हैं, या टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ा रखा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए करना है कि इसके बाद करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या, बी है। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब देखिए अगर मैं मान लूं यहां से ये कार्य का क्या प्रारंभ है और ये क्या कार्य का अंत है। क्लियर है, कार्य का अंत है। अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते करते ये आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला है उससे एक दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, एक कार्य छोड़कर चला गया।
तो ये कार्य किसने किया होगा? बी ने कार्य किया होगा। क्लियर है? ये कार्य एक दिन का कार्य किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जो ए है कितने दिन तक कार्य किया, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, जो ए है यहां से यहां तक कार्य कर रहा, यही पूछा है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो जो बी है एक दिन कार्य, ये जो एक दिन का कार्य कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी कर रहा है कि नहीं कर रहा? और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? चार। तो बी एक दिन में चार काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना? चार। टोटल काम इससे करके चार काम घटा लीजिए तो कितना मिलेगा? 36। और ये जो 36 कार्य है यहां से यहां का बचा, यहां से यहां कितना? 36 कार्य। और इसको कौन कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9। 9 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 चौक 36, यानी यहां से यहां का कितने दिन का टाइम लग गया? 4 दिन का टाइम लग गया। तो प्रश्न में यह पूछा गया कि ए कितने दिन तक कार्य किया, यानी ए कितने दिन तक कार्य में रहा, इसमें आपसे यह पूछा गया, यानी ए यहां से यहां तक रहा कि नहीं कार्य में। तो कितने दिन तक रहा यह कार्य में? 4 दिन तक कार्य में रहा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है? पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनू उसी काम को 8 दिन में, नाबा इसे कितने दिन में? 12 दिन में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन के बाद काम छोड़कर क्या हो गई? चली गई। काम छोड़कर चली गई। और जो शेष कार्य है, शेष कार्य को कौन कर रहा है? दीनू और नाबा द्वारा किया गया। शेष कार्य को कौन कर रहा है? दीनू और नाबा। तो पूछा क्या? सारा काम कितने दिन में हो गया, इसमें आपसे ये पूछा, यानी टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, या इन तीनों का डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लीजिए, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए। जब इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 8, 10, 12, क्लियर है? देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किससे को काट दीजिए? 2 6 12, इसमें गुणा करेंगे 60 आ गया, और ये कितना है? इतना। अब देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, किससे को काट दीजिए? 4 2 8 हो गया, 6 2 6, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं ये मैंने आपको एलसीएम और एसएस चैप्टर में पूरा बता रखा है। अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी एलसीएम और एसएस की वीडियो एक बार जरूर से देख लीजिए, कैसे एलसीएम शॉर्टेज से निकालते हैं वो मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखा। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कितना होता है? 15 8 120 होता है, भाग कितनी बार जाएगी? 15 बार। और ये कौन? पी है ना, तो आप यहां से लिख लिए पवित्रा, यानी पी को इंडिकेट कर दें। और दिनों क्या कर रहा है? 10 दिन होते, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 12 बार जाएगी। क्लियर है? और जो नाबा इससे कितने दिन में, नाबा कितने? 12 दिन में, अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 10 बार जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम लिया और इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए कहा क्या, अब उसको अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये कहा गया कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, यानी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना आरंभ करें, 2 दिन के बाद क्या करें ये, यानी 2 दिन के बाद ये काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, कौन छोड़ रहा है? ये पवित्र। 2 दिन तक तीनों काम क्यों कि नहीं क्योंगे? 2 दिन के बाद ही तो ये छोड़ रही है, यानी कह सकते हैं कि अगर मैं जोड़ू तीनों का एक दिन का कार्य जोड़ू, ठीक है, 2 दिन तक तीनों मिलकर कार्य कर रही है, अगर तीनों का एक दिन का कार्य जोड़ू तो कितना मिलेगा? 37। तो 2 दिन में ये लोग कितना काम किए होंगे? टोटल काम इससे क्या करें? 2 दिन का काम घटा लिए। अगर एक दिन में इतना काम करें तो 2 दिन में कितना? इसका डबल हो जाएगा, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो गया, और 2 3 6 कितना हो जाएगा? 7। 2 दिन में इतना काम करें तो टोटल काम इससे मैं इसको क्या कर रहा हूं? माइनस कर दे रहा हूं, तो कितना मिलेगा? ये 46 मिलेगा। अब इसके बाद जो है पवित्रा काम छोड़कर चली गई, ये काम छोड़कर चली गई, तो कार्य में लगा कौन है? ये और ये दोनों लगी है। तो पूछा है कि सारा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखा जाए जो शेष कार्य बचा है इन्हीं दोनों को करना है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 22 काम करेंगे, और करना कितना? इतना। इससे करके आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ठीक है, ये ऊपर 23 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 11।
क्लियर, इतना समय लग गया, लेकिन दो दिन पहले भी मेरा लगा, यानी यहां से तो इतना डेज लगा, लेकिन पहले भी कितना दो दिन लग गया, आप उसको भी ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमसे पूछा है सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दुना 22 में 23 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 45 बटा 11, यानी टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, 45/11 दिन में फिनिश हुआ। बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेती है, दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन दो दिन के बाद नेहा काम छोड़ देती है, तो उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते तो ये लिख लीजिए सुनीता और ये क्या नेहा, वैसे जरूरत नहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहा गया कि दो दिन के बाद, यानी एक साथ मिलकर काम कर रही है, दो दिन के बाद नेहा कार्य छोड़ दे रही है। सबसे पहले ये देखा जाए, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगी, 5 काम करेंगी, तो दो दिन तक साथ साथ कार्य कर रही तो दो दिन में कितना काम करेंगी, 10 काम करेंगी। टोटल काम इससे करे के इस टोटल काम में से इसको घटा लीजिए। अब इसके बाद देखिए कार्य कौन छोड़ रहा है, नेहा छोड़ रही है, नेहा कार्य छोड़कर ये चली गई, तो कार्य में लगा कौन है, कार्य में लगा कौन है, ये सुनीता लगी है, और यही तो शेष कार्य करवाना है, ये जो शेष है इसी कार्य को करवाना है। ठीक है, तो यही तो कहा गया है सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितना दिन लगेगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दिए, एक दिन में 2 काम कर रही है और करना कितना, 20, यही तो शेष बचा है। इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। कितने दिन का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक्स और वाई किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, वाई और जेड उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि आप यहां पर लिख लीजिए, जबकि यहाँ पे जेड, ठीक है ये जेड मेरा रहेगा, जबकि जेड और एक्स उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लेते, 15 दिन का समय लेते हैं। तो कहा क्या है, तीनों मिलकर एक्स वाई जेड तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे इस तरह से तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरा फिगर द्वारा समझना है तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है, यहां पे बस आपको क्वेश्चन की स्पीड बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए करना क्या, आपको इन तीनों का करना क्या, आपको एलसीएम लेना है। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे करना क्या, आपको इसको डिवाइड करना है तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 3 60, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसको इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई और ये y प्लस जेड और ये क्या है, जेड प्लस एक्स है कि नहीं, इस तरह से लिखेंगे, अगर मैं इनको जोड़ू, इनके कार्य को जोड़ू, ठीक है इनके कार्य को जोड़ू तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो गया। जब इधर से जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, 2y मिलेगा, 2z मिलेगा, और 2 सभी में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो बचेगा, 2 अगर सभी में से कॉमन ले लिए। ठीक है, वैसे इसके लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी मुझे ये पता चल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 6 काम करें। ठीक है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12, और 12 क्या ये दोगुना है कि नहीं, ये जब इनको जोड़ेंगे तो दोगुना मिलेगा। तो इसमें क्या करना, आपको तीनों का मान पता करने के लिए इसमें हमेशा क्या करना, आपको 2 से डिवाइड करना, तो तीनों मिलकर एक दिन कितना, 6 काम कर रही और करना कितना है, 60, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितने दिन का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं, बी और सी लिख लीजिए। ठीक है,
बी और सी, बी और सी उसी कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं। सी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अगर वही टोटल कर किससे कराया जाए, पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों मिलकर कर रहे थे, ठीक है, तीनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा गया, सिंगल व्यक्ति से आपसे पूछा गया, तो प्रोसेस तो लगभग वही रहेगा। आपको करना है क्या, इन सभी का करना है कि आपको एलसीएम लेना है, इन सभी का करना है कि आपको एलसीएम आपको लेना है। वैल्यू कौन कौन सी है, 40 है, 56 है और ये 70 है, क्लियर है। जब आप इन सभी का एलसीएम लेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका और इसका ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, ठीक है, ये चार बार में कटा, इनका गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 280। एलसीएम कितना किया इन दोनों का, 280। अभी ये 56 बचा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 56 जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, करेगा नहीं करेगा, 28 से कम 28 हो गया और ये 28 गुना 56, यहाँ पे जो 10 मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 जो फिर इसको डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि इनमें जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटते रहिए, तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 280 आ गया, ठीक है। मुझे टोटल वर्क कितना पता चल गया, 280। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 7 28, कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको भी, बी प्लस सी, जरूरत नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या है, सी प्लस ए, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 0 से 0 कट गया, कितनी बार में कटेगा ये, 4 7 4 कितना हो जाएगा, 28, 4 बार में कटेगा, इतना क्लियर। अगर मैं इन सभी को जोड़ू तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, तो डायरेक्ट हम इन सभी को जोड़कर करेंगे क्या, आधा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एबीसी का मान आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 16 होगा कि नहीं होगा। 16 का करना है कि आपको आधा कर लेना है, जब आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 8 काम करें, क्लियर है। लेकिन हमसे कार्य किससे करवाना, केवल ये जो टोटल कार्य सी से करवाना है। देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो मुझे किसी तरह से क्या करना है, सी का मान पता करना है, ठीक है। देखिए सी का मान आपको वहां से मिलेगा जिसमें आपको सी नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप इसको यहां से डायरेक्ट घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो यानी कि ए बी से ए बी कट जाएगा, तो सी का मान कितना मिलेगा, 1, सी का मान कितना मिलेगा, 1, यानी जो सी है एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा, और करना कितना, 280। इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 280 बार ही जाएगी। इसका आंसर कितना आ गया, 280 आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी टाइम एंड वर्क का मेरी 1 से 2 वीडियो और आएगी, ठीक है, 1 से 2 वीडियो और आएगी।